हेलो एवरीवन, वेलकम। नाउ वी विल स्टडी द सब्जेक्ट रेडिएशन फिजिक्स ऑफ डीआरटी पार्ट फर्स्ट। तो जैसे कि रेडिएशन फिजिक्स के अंदर हमने टॉपिक स्टार्ट किया था रेडियोथेरेपी, दैट मीन्स कि अब अपन ट्रीटमेंट डिपार्टमेंट की बात कर रहे थे, थेरेपी डिपार्टमेंट की बात कर रहे थे। और थेरेपी डिपार्टमेंट दैट मीन्स रेडिएशन की हेल्प से किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट करना ही क्या कहलाता है, रेडियोथेरेपी कहलाता है। रेडियोथेरेपी का जो प्रिंसिपल था, एम था, वो भी अपन ने डिस्कस किया था। अकॉर्डिंग टू एम, जो ट्यूमर सेल्स होती है, दैट मीन्स जो अबनॉर्मल ग्रोथ है सेल्स की, उसको मैक्सिमम रेडिएशन डोज प्रोवाइड करानी होती है, और जो नॉर्मल सेल होती है उसको मिनिमम डोज, दैट मीन्स मिनिमम रेडिएशन प्रोवाइड करानी होती है। ये रेडियोथेरेपी का एम था, प्रिंसिपल था। इसके टाइप्स के बारे में अगर अपन डिस्कस करें तो दो प्रकार की होती है, एक ब्रेकी थेरेपी और एक टेली थेरेपी। ब्रेकी दैट मीन्स नियर, दैट मीन्स कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव सोर्स की अगर बात करें अपन, तो वो कंपाउंड जिसमें लगातार डिसइंटीग्रेशन होता रहता है और उसमें से रेडिएशन निकलती रहती है। जैसे कि एग्जाम्पल आपका रेडियम, सीजियम 137, कोबाल्ट 60, इस प्रकार के और भी बहुत सारे रेडियो एक्टिव सोर्सेज होते हैं। तो दैट मीन्स कि रेडियो एक्टिव सोर्स ब्रेकी थेरेपी के अंदर तो क्या होता है, पेशेंट के पास में रखा होता है या फिर पेशेंट की बॉडी के अंदर, इनसाइड। वो जो थेरेपी होती है, उस प्रकार का जो ट्रीटमेंट होता है, उसे ब्रेकी थेरेपी कहा जाता है। और इसके जस्ट ऑपोजिट टेली थेरेपी, दैट मीन्स कि जिसके अंदर रेडियो एक्टिव सोर्स एक डिस्टेंस पे होगा, ठीक है, और उस डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, स्किन टू सोर्स डिस्टेंस, SSD, जो कि लगभग 80 से 100 सेंटीमीटर होती है, वेरी भी कर सकती है, 70 भी हो सकती है, 110 भी हो सकती है, दैट रेंज की अपन ने बात की। टेलीथेरेपी का मतलब साफ साफ है कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव सोर्स पेशेंट से दूर रहेगा। इसी के साथ साथ, जैसा कि कल क्लासिफिकेशन की अगर बात कर रहे थे अपन, तो मैंने आपको बताया था कि इसका एक फ्लो चार्ट बनता है, तो उस फ्लो चार्ट के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, और वो फ्लो चार्ट भी बनाएंगे हम, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने नहीं बनाया था। तो जैसा कि फ्लो चार्ट की अगर अपन बात करते हैं, तो सबसे पहले अपना आता है रेडियोथेरेपी, ठीक है। अब रेडियोथेरेपी के टाइप्स के बारे में भी अगर अपन ने बात की, तो दो प्रकार के हैं, फर्स्ट टेलीथेरेपी एंड सेकंड ब्रेकी थेरेपी। टेली दूर, ब्रेकी पास में, ठीक है। अब क्या होता है कि इनके अंदर मशीन्स आती हैं, टेलीथेरेपी में कौन कौन सी मशीन आती है, ब्रेकी थेरेपी में कौन कौन सी मशीन आती है, फिर कौन कौन से टाइप हैं इनके, उनके बारे में आगे इनको डिस्क्राइब किया गया है चार्ट के अंदर। जैसा कि आप यहाँ पे चार्ट के डायग्राम के अंदर देख सकते हो, रेडियोथेरेपी को फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट टेलीथेरेपी एंड सेकेंड ब्रेकी थेरेपी। अब जैसा कि अगर अपन टेलीथेरेपी की बात करें, तो टेलीथेरेपी को फिर इन्होंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। अब ये जो तीन पार्ट्स हैं, ये इसके टाइप नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। टेलीथेरेपी के जो यहाँ पे तीन पार्ट्स लिखे गए हैं, ये टाइप नहीं है, ये इसके क्या है, मशीन्स है, ठीक है। सबसे पहले जो टेलीथेरेपी की जाती थी, वो किलो वोल्टेज मशीन से की जाती थी, ठीक है। उसके बाद में टेली कोबाल्ट मशीन आई, और उसके बाद में लीनियर एक्सेलरेटर आई, जिसे शॉर्ट में लिनैक भी कहा जाता है। बट एट प्रेजेंट दो मशीन से टेलीथेरेपी होती है, एक टेलीकोबाल्ट और एक लीनैक। लीनैक बहुत मॉडर्न है, बहुत एक्सपेंसिव होती है, हर जगह आपको नहीं मिलेगी, बट जो टेलीकोबाल्ट है वो आपको हर जगह रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट में देखने को मिल जाएगी। इसीलिए अपन ने बात की कि टेलीकोबाल्ट इंपॉर्टेंट है, और हम यहाँ पे फर्स्ट ईयर के अंदर टेलीकोबाल्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज ये है एक इंपॉर्टेंट मशीन है टेलीथेरेपी की। अब जैसे कि किलो वोल्टेज मशीन की बात की जाए, इसके अंदर जो इन्होंने चार प्रकार का, अपन ने चार एरो बनाई है यहाँ पे चार्ट के अंदर, ये चार यहाँ पे क्या है, इसके मोड हैं, अलग अलग टाइप्स हैं थेरेपी के। किलो वोल्टेज के अंदर कौन, किलो वोल्टेज मशीन की सहायता से कौन कौन सी थेरेपी की जाती थी, फर्स्ट ग्रेंजरे थेरेपी, सेकंड काउल थेरेपी जिसे कॉन्टैक्ट थेरेपी भी कहा जाता है, थर्ड सुपरफिशियल थेरेपी एंड फोर्थ डीप थेरेपी, ठीक है। ये आपका सिस्टम यहाँ पे ख़त्म होता है किलो वोल्टेज का। किलो वोल्टेज के बाद में आई थी टेलीकोबाल्ट। टेलीकोबाल्ट के अंदर कोई टाइप नहीं है, कोई मोड नहीं है, टेलीकोबाल्ट मशीन के थ्रू अपन रेडिएशन का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में आती है लीनैक, जो कि अभी मॉडर्न है, बहुत ज़्यादा मॉडर्न मशीन है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, और अभी लगभग ये हर एक रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट में आपको नहीं मिल सकती, बट मिल जाएगी। तो जैसे कि लीनैक में बात करें, अब लीनैक के अंदर भी बहुत सारी मशीन्स आती हैं, दैट मीन्स जो लीनैक के प्रिंसिपल पे काम करती हैं, जैसा कि 3D, CRT, IMRT, IGRT, SRT,
और SRT के दो पार्ट होते हैं, गामा नाइफ और साइबर नाइफ। अब जैसा कि अगर इनकी बात करें अपन, तो जैसे आपका है 3D CRT, IMRT, IGRT, SRT, ये सब क्या है, लिनेक के टाइप्स है यहाँ पे। दैट मीन्स कि जो कि लिनेक के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, रेडियोथेरेपी के टाइप्स है, रेडियोथेरेपी के मोड हैं। तो ये यहाँ तक अपना पोर्शन कंप्लीट किसका हुआ, टेलीथेरेपी का। अब अपन बात करते हैं ब्रेकीथेरेपी। ब्रेकीथेरेपी में केवल तीन चीज़ें आती हैं, सरफेस माउंड, इंटरस्टिशियल थेरेपी और इंट्राकैविटी थेरेपी। ये कोई मशीन्स के नाम नहीं है, ब्रेकीथेरेपी के टाइप्स है, अकॉर्डिंग टू द बॉडी ऑर्गन डिवाइड किया गया। इन तीनों के बारे में अपन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, डिटेल में नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि इस पूरे चार्ट की अगर बात की जाए तो अपन यहाँ पे दो ही चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, टेलीथेरेपी के अंदर टेलीकोबाल्ट के बारे में और ब्रेकीथेरेपी के अंदर ये जो तीन इसके टाइप है, केवल इतना ही डिस्कस यहाँ पे अपन करेंगे। अब जैसा कि लास्ट लेक्चर की बात की जाए तो टेलीकोबाल्ट मशीन अपन ने स्टार्ट कर दी थी। अपन ने ये भी डिस्कस किया था कि वहाँ पे रेडियो एक्टिव सोर्स कोबाल्ट 60 काम में लिया जाता है, पहले रेडियम काम में लिया जाता था, बट अब क्यों नहीं लिया जाता वो भी डिस्कस किया था। मशीन का डायग्राम बनाया था, मशीन के कंपोनेंट्स के बारे में बात की थी, 6 कंपोनेंट्स थे। आज का हमारा एम है उन 6 कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करना। तो जैसा कि फर्स्ट जो कंपोनेंट था उसका नाम था स्टैंड। स्टैंड के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि स्टैंड का काम क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड कराने का। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे भी टेलीकोबाल्ट मशीन में स्टैंड का क्या काम होगा, सपोर्ट प्रोवाइड कराने का। स्टैंड इज द बेस ऑफ यूनिट एंड इट इज़ फिक्स्ड ऑन द फ्लोर। दैट मीन्स कि जो पूरी यूनिट है, पूरी जो टेलीकोबाल्ट मशीन है, उसका बेस क्या होता है, उसका स्टैंड होता है एंड इट इज़ फिक्स्ड ऑन द फ्लोर। और ये किस में फिक्स होता है, फ्लोर में। दैट मीन्स कि जो आपका रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट का रूम है या फिर टेलीकोबाल्ट मशीन जहाँ पे रखी गई है वो जो रूम है, उस रूम का जो फ्लोर है, फ्लोर दैट मीन्स फर्श, ठीक है, उसके ऊपर स्टैंड फिक्स किया जाता है और फिर स्टैंड के ऊपर टेलीकोबाल्ट की जो पूरी मशीन है वो फिक्स की हुई होती है। इट हैज़ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक की स्पेलिंग सही कर लेना, ELECTRONIC, इलेक्ट्रॉनिक, टाइपिंग मिस्टेक के कारण ये गलत हो गई है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड अ सर्कुलर स्केल। दैट मीन्स कि ये जो स्टैंड होता है इस पर क्या होता है कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है, ठीक है, जो कि कंट्रोल कंसोल और मशीन को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे टेलीकोबाल्ट की मशीन में, जैसे कि अपन ने बात की थी गैंट्री के अंदर दो चीज़ें होती है, सोर्स हेड और बीम स्टॉप, जहाँ तक भी वो सारे जितनी भी सप्लाई है वो स्टैंड के थ्रू होती हुई कहाँ पे जाती है, कंट्रोल कंसोल। दैट मीन्स कि पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई स्टैंड के थ्रू मशीन में जाती है, ठीक है, एंड ए सर्कुलर स्केल। और इस स्टैंड पे क्या लगा होता है, एक सर्कुलर स्केल लगा होता है। क्यों लगा होता है, बिकॉज स्टैंड से गैंट्री कनेक्टेड होती है, गैंट्री मूव करेगी, गैंट्री को आपने कितने एंगल पे मूव किए वो उस स्केल पे आपको पता चलेगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड पार्ट विच इज गैंट्री, जो कि स्टैंड से कनेक्टेड होती है। इट इज अटैच्ड टू स्टैंड एंड इट इज़ कैपेबल टू रोटेट थ्रू 360 डिग्री। यहाँ पे स्टैंड और एंड के बीच में स्पेस आएगा, ठीक है। इट इज़ अटैच्ड टू स्टैंड, ये स्टैंड से जुड़ी हुई होती है, एंड इट इज़ कैपेबल टू रोटेट थ्रू 360 डिग्री। दैट मीन्स कि इसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये 360 डिग्री के एंगल पे मूव कर सकती है। अब जैसा कि गैंट्री के दो आर्म होते हैं, दो भुजाएं होती है, इट हैज़ टू आर्म्स, फर्स्ट इज सोर्स हेड एंड सेकेंड इज बीम स्टॉपर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सोर्स हेड। अपन बात करेंगे अब सोर्स हेड के बारे में। जैसे कि अपने डायग्राम में देखा था जो दो आर्म थी, एक ऊपर थी जिसको अपन ने सोर्स हेड बोला था, नीचे बीम स्टॉपर। दैट मीन्स कि ट्रीटमेंट काउच के जो ऊपर आता है उसको सोर्स हेड कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं कि सोर्स हेड में क्या क्या होता है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में अपन नॉर्मल डिस्कस किया था कि वहाँ पर रेडियो एक्टिव सोर्स होता है, बट वहाँ पर कुछ चीज़ें और भी होती हैं। वो क्या क्या होती है, इट हैज़ द, इसमें क्या क्या होता है, सोर्स, शटर, कोलिमेटर, ठीक है, तीन चीज़ें यहाँ पे पाई जाती है, फर्स्ट सोर्स, सेकंड शटर एंड थर्ड कोलिमेटर, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे सोर्स के बारे में। तो जैसा कि सोर्स के नाम से आप यहाँ पे समझ रहे हो, सोर्स रेडिएशन का सोर्स, और रेडिएशन का सोर्स अपन क्या काम में ले रहे हैं यहाँ पे, रेडियो एक्टिव सोर्स। रेडियो एक्टिव सोर्स दैट मीन्स कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की अगर अपन बात करें तो दैट मीन्स कि जो 24 आवर्स क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, उनमें से एनर्जी निकलती रहती है, रेडिएशन निकलती रहती है, डीके होते रहते हैं,
वो जो सब्सटेंसेज है, जैसे कि एग्जांपल अपन यूरेनियम भी ले सकते हैं, यूरेनियम होता है, कोबाल्ट 60 होता है, सीजियम 137 होता है, गोल्ड होता है, इरिडियम होता है, रेडियम होता है, ये बहुत सारे रेडियो एक्टिव सोर्सेज हैं। अब अपन बात करते हैं कि टेलीकोबाल्ट मशीन के अंदर अपन कौन सा रेडियो एक्टिव सोर्स काम में लेते हैं। अ टेलीकोबाल्ट मशीन हैज़ कोबाल्ट 60 सोर्स इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर ऑफ 122 सेंटीमीटर इन डायमीटर। दैट मीन्स कि कोबाल्ट 60 मशीन के अंदर, सॉरी टेलीकोबाल्ट मशीन के अंदर, दैट मीन्स कि टेलीकोबाल्ट मशीन के अंदर अपन जो रेडियो एक्टिव सोर्स काम में लेते हैं वो कौन सा है? कोबाल्ट 60। ठीक है, कोबाल्ट का एक आइसोटोप है कोबाल्ट 60, जिसका एटॉमिक वेट 60 होता है, उसको अपन एज ए रेडियो एक्टिव सोर्स यहाँ पे काम में लेते हैं। जिसकी शेप कैसी होती है? सिलेंडर की शेप। और उसकी साइज़ कितनी होती है? 1 से 2 सेंटीमीटर इन द डायमीटर। दैट मीन्स एक सिलेंडर की फॉर्म में होता है कोबाल्ट 60 का ये सोर्स, और इसकी साइज़ होती है 1 से 2 सेंटीमीटर डायमीटर। अब सिलेंडर दैट मीन्स बेलनाकार, इट्स ए सर्कुलर एंड इज फेसिंग द पेशेंट। इसका जो सर्कुलर एंड होता है, ठीक है, जो सर्कुलर किनारा होता है वो क्या करता है? फेसिंग द पेशेंट। दैट मीन्स कि सोर्स हेड के अंदर वो इस तरीके से रखा जाता है कि पेशेंट की तरफ उसका क्या हो? फेस हो। ठीक है, दैट मीन्स कि ट्रीटमेंट काउच, ऑब्वियस सी बात है पेशेंट कहाँ पे होगा? ट्रीटमेंट काउच पे। और दैट मीन्स कि जो रेडियो एक्टिव सोर्स है कोबाल्ट 60 है, जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, बेलनाकार उसकी शेप है, 1 से 2 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है, उसका जो सर्कुलर एंड है, सर्कुलर किनारा है, वो ट्रीटमेंट काउच की तरफ होगा। द सोर्स इज प्लेस्ड इन स्टेनलेस स्टील कैप्सूल विच इज अगेन प्लेस्ड इन टू अनदर स्टील कैप्सूल सील्ड बाई वेल्डिंग। तो जैसा कि अपन अगर बात करें अपने डायग्नोसिस डिपार्टमेंट की, डायग्नोसिस डिपार्टमेंट आपने एक्सरे काम में ली, वहाँ पे आपके पास में एक एडवांटेज था। क्या एडवांटेज था? कि जब आपको प्रोसेसर करना था, आपने मशीन ऑन की, तभी उसमें से एक्सरेज निकलेंगी, इतनी देर एक्सरे नहीं निकलेंगी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अपन काम में लेते हैं रेडियो एक्टिव सोर्सेज। रेडियो एक्टिव सोर्सेज का जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसमें से लगातार रेडिएशन निकलती है। तो दैट मीन्स कि ये जो रेडियो एक्टिव सोर्स है, ये जो कोबाल्ट 60, इसमें से लगातार रेडिएशन निकलेगी, और इनमें से जो रेडिएशन निकल रही है उनकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है, मेगा वोल्टेज के अंदर होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इनकी एनर्जी होती है। तो दैट मीन्स कि ये ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल भी है। तो दैट मीन्स कि रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट के अंदर पेशेंट भी होता है, वर्कर भी होता है, बहुत सारी चीज़ वहाँ पे भी क्या करेगी हार्मफुल। तो दैट मीन्स कि ये जो सोर्स हेड में जो सोर्स रखा जाता है, ये एक स्टील के कैप्सूल के अंदर रखा जाता है, स्टील का छोटा सा कैप्सूल होता है उसके अंदर रखा जाता है, फिर उस कैप्सूल को दूसरे स्टील के कैप्सूल के अंदर रखा जाता है, और ये जो दोनों कैप्सूल है इनके बीच का जो गैप है वो अपन हाई एटॉमिक नंबर मटेरियल से फिलअप कर देते हैं, जैसे कि लेड, ताकि जो रेडिएशन है वो बाहर ना निकले। ठीक है, दैट मीन्स कि हार्मफुल इफेक्ट्स ना जनरेट हों। ठीक है, और ये जो स्टील कैप्सूल है इनको वेल्डिंग से सील कर दिया जाता है। द सोर्स इज सील्डेड बाई मटेरियल लाइक लेड, दैट मीन्स लेड जैसा कोई मटेरियल है उससे हम इसको सील्ड करते हैं। वो जो दो स्टील कैप्सूल है, पहले एक स्टील कैप्सूल के अंदर आपका रेडियो एक्टिव सोर्स होगा, फिर उस कैप्सूल को आप दूसरे कैप्सूल में रखोगे, और उन दोनों कैप्सूल के बीच में जो गैप है उसको लेड जैसे हाई एटोमिक नंबर मटेरियल से फिलअप किया जाता है। तो ये तो बात हो गई रेडियो एक्टिव सोर्स की। अब अपन बात कर रहे हैं दूसरे पार्ट की, जो कि सोर्स हेड में पाया जाता है, जिसे शटर कहा जाता है। शटर की अगर अपन बात करें तो नॉर्मल जो आपकी लैंग्वेज होती है उसमें आपने सुना होगा शटर, जो नॉर्मल आप लोग सुनते हो सोप की जो दरवाजे होते हैं उनको शटर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उनका क्या काम होता है? ऑन और ऑफ, दैट मीन्स शॉप को ओपन और क्लोज करने का। सेम कंडीशन यहाँ पे होगी, सोर्स हेड के अंदर रेडियो एक्टिव सोर्स रख रखा है जिसमें से लगातार रेडिएशन निकल रही है, यहाँ पे भी शटर टाइप में कुछ दरवाजे लगे होंगे, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगे होंगे जो कि रेडिएशन को ऑन और ऑफ करने में काम आएगा। दैट मीन्स कि जब आपको रेडिएशन चाहिएगी तब आप शटर को ऑन करोगे, जब आपको रेडिएशन नहीं चाहिए तब आप शटर को ऑफ करोगे। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू ऑन एंड ऑफ द रेडिएशन, दैट मीन्स कि यह एक ऐसी डिवाइस है जो कि रेडिएशन को ऑन और ऑफ करने में काम आती है। दैट मीन्स कि शटर अगर क्लोज होता है वहाँ पे
तो दैट मीन्स रेडिएशन ऑफ है, रेडिएशन बाहर नहीं निकलेगी, सोर्स हेड में ही रहेगी। अगर सेटर ऑन है तो दैट मीन्स वहाँ पे फिर रेडिएशन ऑन पोजीशन में है, रेडिएशन बाहर आएगी। ऑब्वियसली बात है, रेडिएशन यहाँ पे 24 आवर्स निकलती है, तो उसको ऑन और ऑफ करने के लिए आपको यहाँ पे डिवाइस लगानी पड़ेगी। अब ये चीज़ें किससे होंगी कि भाई जो सोर्स हेड है जिसमें आपने सोर्स रख दिया, उसके जो चारों तरफ की जो हाउसिंग होती है, ट्यूब की जो हाउसिंग होती है, उसी प्रकार से वहाँ पे भी हाउसिंग होगी, उसको आपने हाई एटॉमिक नंबर से बना दिया, तो दैट मीन्स कि चारों तरफ से रेडिएशन नहीं निकलेगी। बट जो उसका विंडो है जहाँ से रेडिएशन निकल रही है वहाँ से निकलेगा, वहाँ से अगर आपको क्लोज करना है तो ऑब्वियस बात है कि हाई एटॉमिक नंबर मटेरियल से आपको उसको क्लोज करना होगा। इट इज़ डन बाय यूजिंग द हाई अमाउंट ऑफ शील्डिंग मटेरियल बिटवीन सोर्स एंड पेशेंट। और ये अपन किसके थ्रू करते हैं, सोर्स और पेशेंट के बीच में कोई ऐसा मटेरियल लगाओ जो कि हाई एटॉमिक नंबर हो, ठीक है। और हाई एटॉमिक नंबर मटेरियल किस में काम में लिए जाते हैं, शील्डिंग के अंदर काम में लिए जाते हैं। तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे हाई एटॉमिक नंबर के कुछ दरवाजे टाइप में स्ट्रक्चर बनी होगी, ठीक है, स्लाइडिंग भी हो सकते हैं अलग अलग प्रकार के। दैट मीन्स यहाँ पे अपन विंडो जो होगी जहाँ से रेडिएशन निकल रही है वहाँ पे कुछ शटर्स लगाते हैं जो कि रेडिएशन को ऑन और ऑफ करने में काम में आते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द शटर इज डन बाय द इलेक्ट्रिकल मोटर और हाइड्रोलिक फोर्स। दैट मीन्स कि जो शटर मैकेनिज्म यहाँ पे लगाया जाएगा उसकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो ऑटोमेटिक होगी, या तो किसी मशीन के द्वारा, किसी मोटर के द्वारा, या फिर हाइड्रोलिक फोर्स के द्वारा की जाएगी। ये तो है नहीं कि वहाँ पे हेल्थ वर्कर आएगा और वो अपने हाथ से क्या करेगा, शटर को ओपन करता है और हाथ से क्लोज करता है, बिकॉज रेडिएशंस आर वेरी हार्मफुल और वहाँ पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेडिएशंस हैं। अब अगर अपन बात करें शटर मैकेनिज्म की, तो ये भी चार प्रकार के पाए जाते हैं मशीन में। फर्स्ट मर्करी शटर, सेकेंड मूविंग जो, थर्ड रोटेटिंग व्हील, फोर्थ आता है स्लाइडिंग डोर। ये सब चार क्या है, अलग अलग मैकेनिज्म, इनका काम करने का जो प्रिंसिपल है, इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल होती है वो सबकी अलग अलग होती है। ये चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे DRT पार्ट सेकेंड के अंदर, डिटेल के अंदर, कि मर्करी शटर क्या होता है, मूविंग जो क्या होता है, रोटेटिंग व्हील कैसे वर्क करता है, स्लाइडिंग डोर। हाँ, बट जो चार जिस सीक्वेंस में मैंने आपको लिखा है उसी तरीके से, दैट मीन्स कि सबसे पहले मर्करी शटर लगाया गया था, फिर उसके कुछ डिसएडवांटेज थे तो उसको हटा के मूविंग जो लगाया गया, फिर मूविंग जो के भी कुछ डिसएडवांटेज थे तो उसको हटा के रोटेटिंग व्हील लगाया गया, उसके भी कुछ डिसएडवांटेज निकले, तो लास्ट के अंदर स्लाइडिंग डोर। दैट मीन्स कि अब जो टेलीकोबाल्ट मशीन के अंदर जो सेटर मैकेनिज्म काम करता है वो होता है स्लाइडिंग डोर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कोलीमेटर। अब अपन बात करते हैं कोलीमेटर के बारे में। कोलीमेटर के बारे में अपन ने बात की है कहाँ पे, अपने डायग्नोसिस डिपार्टमेंट में भी, जो नॉर्मल एक्सरे की मशीन होती है उसमें भी कोलीमेटर्स लगे होते हैं। कोलीमेटर का काम क्या होता है कि जो रेडिएशन की बीम आ रही है उस बीम की शेप और साइज को फिक्स करना। दैट मीन्स कि पेशेंट का जो बॉडी पार्ट है, जो कि ट्रीटमेंट काउच पे है या फिर टेबल पे, एक्सरे टेबल पे है, उसको आप रेडिएशन दे रहे हो तो जितने बॉडी पार्ट को रेडिएशन चाहिए उतने ही बॉडी पार्ट को रेडिएशन दी जाए। दैट मीन्स कि जो रेडिएशन आ रही है उसकी शेप किस शेप में और उसकी साइज़ कितनी साइज में आपको रेडिएशन पेशेंट को देनी है, कितने बॉडी पार्ट को पेशेंट को रेडिएशन देनी है, वो चीज़ें फिक्स की जाती है कोलीमेटर के थ्रू। कोलीमेटर यहाँ पे भी काम में लेंगे, क्योंकि अपना जो रेडियोथेरेपी का प्रिंसिपल था उसको याद रखो, मैक्सिमम डोज ट्यूमर को और मिनिमम डोज नॉर्मल सेल को। तो दैट मीन्स केवल और केवल अपने को ट्यूमर को रेडिएशन देनी है, तो इस वजह से नॉर्मल सेल को बचाने के लिए अपन क्या करेंगे, कोलिमेशन करेंगे। द कोलीमेटर इज यूज्ड टू कंट्रोल द साइज एंड शेप ऑफ द बीम टू द पेशेंट। दैट मीन्स कि पेशेंट के पास जो रेडिएशन बीम जा रही है उसकी साइज और उसकी शेप को कंट्रोल करने के लिए कोलीमेटर्स काम में लिए जाते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि कोलीमेटर क्या करेगा, रेडिएशन को रोकेगा, और रेडिएशन को रोकने के लिए आपको क्या चाहिए, हाई एटॉमिक नंबर मटेरियल चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, लो एटॉमिक नंबर मटेरियल होगा तो उसमें से रेडिएशन निकल जाएगी। और जैसा कि अगर अपन थेरेपी की बात करें तो थेरेपी में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेडिएशन है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे और भी हाई एटॉमिक नंबर का मटेरियल चाहिएगा, ठीक है। कोलीमेटर्स हैव टू पेयर ऑफ जॉज मेड अप ऑफ टंगस्टन और लेड। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो कोलीमेटर्स होते हैं वो या तो टंगस्टन का बना होता है या फिर लेड का बना होता है, ठीक है। लेड भी हाई एटॉमिक नंबर मटेरियल है और टंगस्टन भी हाई एटॉमिक नंबर मटेरियल है। और किस तरीके से बने होते हैं, दो पेयर पाए जाते हैं जो के। दैट मीन्स कि जो के यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, एक मेटल की लेयर होती है, शीट होती है, ठीक है, तो वहाँ पे दो पेयर पाए जाते हैं। अब इनका वर्किंग कैसे होता है, जैसे कि
एक पेयर के अंदर दो जो होंगे तो दो पेयर के अंदर कितने हो गए, चार जोज हो गए। अगर अपन डायरेक्शन की बात करें तो अपनी चार डायरेक्शन होती है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो दैट मीन्स कि जो फर्स्ट पेयर है फॉर एग्जांपल वो क्या करेगा ईस्ट और वेस्ट के अंदर, ठीक है, वो दोनों साइड के अंदर ओपन होगा और बंद होगा, ठीक है, ओपन और क्लोज। इसी प्रकार से जो दूसरा पेयर है वो नॉर्थ साउथ में। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, जो रेडिएशन की बीम आ रही है उसकी साइज एंड शेप को फिक्स कर सकते हैं। कोलिमेटर्स आर ऑफ टू टाइप। अब कोलिमेटर भी दो प्रकार के होते हैं, वो कैसे, एक सिमेट्रिक और एक एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक के अंदर क्या फ़र्क होता है वो देखो, जैसे कि अगर अपन बात करते हैं सिमेट्रिक की, ठीक है, तो सिमेट्रिक जोज के अंदर क्या होगा कि जब अपन बात करें ईस्ट और वेस्ट की, दैट मीन्स फर्स्ट पेयर की, उसमें क्या होगा कि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। दैट मीन्स कि अगर आप एक जो को 3 सेंटीमीटर खोल रहे हो तो दूसरा जो भी ऑटोमेटिक 3 सेंटीमीटर खुलेगा। तो दैट मीन्स कि ईस्ट से वेस्ट की जो लेंथ थी वो 6 सेंटीमीटर अपने आप डायरेक्टली ओपन हो चुकी है। इसी प्रकार से नॉर्थ और जो साउथ वाले हैं वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। तो दैट मीन्स वहाँ पर क्या होगा, अगर आपने नॉर्थ वाले को 3 सेंटीमीटर ओपन किया तो साउथ वाला भी क्या होगा 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से दैट मीन्स कि वो जो कनेक्टेड होते हैं उनको अपन बोलते हैं सिमेट्रिक जोज, और जो कनेक्टेड नहीं होते दैट मींस कि चार जो हैं यहां पे दो पेयर, चारों जोज अलग अलग वर्क करते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहते, उस प्रकार के कोलिमेटर्स को अपन बोलते हैं एसिमेट्रिक कोलिमेटर या फिर एसिमेट्रिक जोज। तो ये अपनी बात हो गई यहां पे कोलिमेटर्स की, जो कि रेडिएशन बीम की साइज और शेप को फिक्स करने के काम में आते हैं, जो कि हाई एटॉमिक नंबर के मैंने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक के अंदर वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, और एसिमेट्रिक के अंदर इंडिपेंडेंट पाए जाते हैं, स्वतंत्र पाए जाते हैं। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की। तीन कंपोनेंट अपन ने डिस्कस कर लिए यहाँ पे, फर्स्ट स्टैंड, सेकेंड गैंट्री, और गैंट्री के अंदर भी अपन ने सोर्स हेड के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अपन जो गैंट्री की दूसरी भुजा थी जिसे बीम स्टॉपर कहा जाता है, बीम स्टॉपर के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बीम स्टॉपर का मैंने आपको बताया था कि जो सोर्स हेड से जो रेडिएशन निकल रही है पेशेंट के अंदर ट्रांसमिट होने के बाद में जो बचती है रेडिएशन उसको एब्जॉर्ब करता है, और साथ साथ में काउंटर वेट, दैट मीन्स कि जो सोर्स हेड में जो वेट है उसको बैलेंस करने के काम में आता है। इट एक्ट्स एज काउंटर वेट, या काउंटर वेट की तरह, काउंटर वेट की तरह वर्क करता है, एंड आल्सो एब्जॉर्ब द एग्जिट रेडिएशन, और जो रेडिएशन बाहर निकली है उनको एब्जॉर्ब करने का इसका काम होता है। दोनों इसकी वर्किंग समझ में आ गई। इन सम मॉडल्स बीम स्टॉपर इज़ नॉट प्रेजेंट। ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी टेलीकोबाल्ट की मशीन होती है उन सब के अंदर बीम स्टॉपर पाया ही जाए, कुछ मशीन्स के अंदर बीम स्टॉपर नहीं पाया जाता है। अब अपन बात करते हैं ट्रीटमेंट काउच की। इट इज़ द पार्ट ऑफ मशीन ऑन विच पेशेंट लाई ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, दैट मीन्स कि यह मशीन का वो पार्ट है जहाँ पे आप पेशेंट को लेटाते हो ट्रीटमेंट के दौरान। पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपन यहाँ पे, ट्यूमर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मैलिग्नेंट डिजीज़ का कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि ट्रीटमेंट के वक्त जब आप पेशेंट को रेडिएशन प्रोवाइड कराते हो तो रेडिएशन प्रोवाइड कराने के लिए मशीन के थ्रू, मशीन की एक टेबल होती है जिसे ट्रीटमेंट काउच कहा जाता है, जिस पर आप पेशेंट को लेटाते हो। द काउच कैन बी मूव्ड अप एंड डाउन लेटरली एंड लॉन्गिट्यूडनली 3D मोशन अबाउट सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बीम, दैट मीन्स कि ये जो ट्रीटमेंट काउच होता है ये मूव करता है, और मूव भी किस तरीके से, अप एंड डाउन, अप भी होता है डाउन भी होता है, लेटरली एंड लॉन्गिट्यूडनली, दैट मीन्स लेटरली का मतलब लेफ्ट राइट भी मूव करता है, लॉन्गिट्यूडनली एंगल पे भी, ठीक है, दैट मीन्स इसको आप रोटेट भी कर सकते हो, ठीक है। 3D मोशंस इसके अंदर पाए जाते हैं अबाउट द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बीम, बीम जो आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट काउच को मूव करवा सकते हो। तो ये बात हो गई अपने ट्रीटमेंट काउच की और बीम स्टॉपर की, पांच कंपोनेंट अपने यहाँ पे कंप्लीट हुए। अब लास्ट कंपोनेंट बचता है कंट्रोल कंसोल। कंट्रोल कंसोल के बारे में भी मैंने लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया था कि जो टेलीकोबाल्ट की मशीन है, अब जैसे कि अपन ने बात की थी कि जो अपनी एक्सरे की मशीन होती है नॉर्मल, उसको भी अपन जब आप ऑपरेट करते हो तो बैरियर के पीछे उसका कंट्रोल कंसोल लगा होता है, लेड का बैरियर होता है, जबकि वहाँ पे रेडिएशन कौन सी निकल रही है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और यहाँ पे रेडिएशन है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, दैट मीन्स कि रेडिएशन की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। पेशेंट आ रहा है वो अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए एक बार आता है, बट वर्कर वहीं पर रहता है, ठीक है, हमेशा, तो वर्कर को रेडिएशन से बचना होगा, इस वजह से कंट्रोल कंसोल जो होता है वो हमेशा दूसरे रूम में बनाया जाता है।
Control console is located outside the treatment room and it is connected to the machines by the wires. That means कि control console दूसरे room में होता है या फिर जो आपका treatment room है उसके just बाहर होता है, ठीक है? And it is connected by the machine by the wires. That means कि control console machine से किसके through connected होता है? Wires के through, cables के through, और ये cables stand के through gantry के पास पहुँचती हैं. अब जो रूम है, दोनों रूम है, एक ट्रीटमेंट रूम और एक कंट्रोल कंसोल, इनके बीच में वायर्स का कनेक्शन होता है और एक विंडो लगी होती है जिसके अंदर लेड का ग्लास लगा होता है जिसके थ्रू आप पेशेंट की मूवमेंट्स देख सकते हो. इसके अलावा और भी कनेक्शंस होते हैं, वो किस तरीके के, कैमराज. दैट मीन्स कि ट्रीटमेंट रूम में कैमराज लगे हुए हैं जिनका कंट्रोल कंसोल के पास में मॉनिटर होता है जहाँ से आप उनके बारे में देख उनसे पता कर सकते हो कि ट्रीटमेंट रूम में क्या हो रहा है. ऑडियो विजुअलाइजेशन भी होता है कि दैट मीन्स कि कंट्रोल कंसोल रूम में आप बैठे बैठे वहाँ से स्पीकर्स के थ्रू, माइक्स के थ्रू ट्रीटमेंट रूम तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हो. ट्रीटमेंट रूम से अगर पेशेंट आपको कुछ बोलता है तो वो आवाज़ भी कंट्रोल कंसोल रूम तक पहुँच सकती है. इट हैज़ टाइमर. दैट मीन्स अब कंट्रोल कंसोल में देखते हैं अपन क्या क्या होता है. टाइमर्स लगे होते हैं वहाँ पे, ऑन एंड ऑफ स्विच होता है मशीन को ऑन एंड ऑफ करने का. अब जैसे कि मशीन के अंदर अपन ने बात की थी शटर मैकेनिज्म की, कोलिमेशन की, ठीक है, सोर्स हेड के ऑन और ऑफ की कंडीशन, उसको रोटेट करना, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं. ऑन एंड ऑफ स्विचेस, साउंड सिस्टम लगा होता है, लाइट इंडिकेटर्स लगे होते हैं, डोर इंटरलॉक सिस्टम. दैट मीन्स कि जब तक आप ट्रीटमेंट रूम का दरवाज़ा बंद नहीं करोगे तब तक ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होगा. कैमरा लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स लगे होते हैं. बाकी इसकी जो डिटेल में डिस्कशन करना है वो अपन सेकेंड ईयर में करेंगे. कंट्रोल कंसोल इज़ ऑलवेज लोकेटेड ऑन द सेकेंडरी वॉल ऑफ द थेरेपी रूम. जो आपका थेरेपी रूम है उसके सेकेंडरी वॉल पे होता है, ठीक है. अब सेकेंडरी वॉल और प्राइमरी वॉल क्या है, ये चीज़ें नॉर्मल सी फिक्स है कि जो ट्रीटमेंट रूम है जहाँ पर टेलीकोबाल्ट मशीन आपने लगा रखी है वहाँ पर चार दीवारें हैं, ठीक है, और उसके साथ अगर अपन दो और मिलाएं तो फ्लोर और सीलिंग, अपनी टोटल छः चीज़ें होती हैं. दैट मीन्स कि जहाँ जहाँ पे रेडिएशन गिरती है वो तो कौन सी हो गई, प्राइमरी वॉल, ठीक है, और दूसरी वो वॉल जहाँ पे रेडिएशन कभी नहीं गिरती वो कौन सी होती है, सेकेंडरी. फॉर एग्जांपल स्टैंड, जिस साइड में स्टैंड लगा होता है उस साइड में रेडिएशन कभी भी नहीं आती, तो वो कौन सी वॉल हो गई, सेकेंडरी वॉल. तो दैट मीन्स कि जो कंट्रोल कंसोल होता है वो भी हमेशा सेकेंडरी वॉल की तरफ बनाया जाता है ताकि अपन रेडिएशन से बच सके. तो ये पूरा रेडियोथेरेपी का फर्स्ट पार्ट था. टेलीथेरेपी के अंदर टेलीकोबाल्ट मशीन के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन ब्रेकी थेरेपी के बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.